हेलो दोस्तों, दौड़ा करने के आप तीसरे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में नंबर सिस्टम के नंबर ऑफ फैक्टर्स के कुछ सवाल बताएंगे। हमने पिछले क्लास में इसके सारे जो तरीके थे सवाल को सॉल्व करने के बताए थे, आज इनको सॉल्व करेंगे और जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे ये बताएंगे, और जो कुछ तरीके बचे हैं वो भी एडवांस लेवल को थोड़ा बताएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,500 के कुल कितने वर्गखंड हैं। अगर ये तुम्हारी पहली क्लास है तो इसका पहला लेक्चर देख लेना। अगर वो लेक्चर देख के इस लेक्चर को देखोगे तो सवाल ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन है 10,500 के कुल कितने वर्गखंड हैं। तो हमने पिछली बार बताया कि पहले संख्या जो लिखी है इसको हम आबाद संख्या में तोड़ते हैं। तो तोड़ लेते, देखो 10,500 को हम आबाद संख्या में तोड़ेंगे तो हमें लगता है लिखा है ये 3 × 7 = 21 × 5 × 100 सौ सौ पर लिख सकते हैं हम 25 × 4। हमने इनको भी तोड़ा है लेकिन अभी आबाद संख्या नहीं है, एक बहुत तोड़ना पड़ेगा। तो हमें लगता है 4 × 2 = 2 यहां 25 और 5 इसलिए 5 की पावर 3 और ये 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। हमने 10,500 को आबाद संख्या में तोड़ लिया। अब हमें कुल गुण बताने हैं, बताना है कि भैया इस संख्या के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो हमने बताया था कि भैया जो पावर होती है इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है, 2 में जोड़ा कितना है 3, 3 में जोड़ा कितना है 4, 1 में जोड़ा कितना है 2 और इस 1 में जोड़ा कितना है 2 सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 12 = 24, 24 × 48 इस संख्या के कुल 48 गुणनखंड बनेंगे। हमने बताया क्या करेंगे, पहले की संख्या को आबाद संख्या में तोड़ेंगे और जिनकी पावर बनेगी पावर में हर एक पावर में एक जोड़ करके उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल कितने गुणनखंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, हमने इसके करने तरीका बता दिया था लेकिन थोड़ा रिवीजन करवा रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, 420 के समगुण बताने हैं। तो भैया हम पहले 420 को आबाद संख्या में तोड़ेंगे, कर सकते हैं 2 × 3 × 7 × 10 × 2 × 5 इसलिए 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1 × 5 की पावर 1। हमें इसके विषम गुणनखंड चाहिए, बात को समझना, हमें इसके विषम गुणनखंड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसकी जो सम संख्या है उसको हटा देंगे। हमें केवल आंकड़ों की संख्या लेनी है, हमें 2 की जो पावर है वो नहीं लेना है, हमें आंकड़ों की संख्या लेना है। 1 में जोड़ कितना है 2, यहां पर कितना है 2 और यहां पर कितना है 2, गुणा कर दो 2 × 4 × 8। तो भैया क्या होगा, 420 के 8 ऐसे गुणनखंड होंगे जो विषम होंगे। चलो हम सम वाला देख लेते हैं, सम वाले संख्या क्या लिखी है, 4200 लिखी है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। कुछ नहीं लिखा है, 420 में एक जोड़ा दिया गया, फैक्टर देख लेते हैं 4200 के, कर सकते हैं 2 × 3 × 7 × 2 × 2 × 5 × 5 देखो 7 × 21 = 22 हो गया और 100 ये लिखा है 25 × 100 इसे लिखते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर 1। अब हमें यहां पर सम गुणनखंड चाहिए, सम गुणनखंड मतलब क्या होता है कि भैया इवन फैक्टर। तो हमें क्या करना है, वैसे विषम में हम इसको हटा देते थे लेकिन सम में हम क्या करते हैं, जो ये सम संख्या है इसकी जो पावर है इसमें हम एक नहीं जोड़े, ध्यान देना हमें क्या करना है, जो सम संख्या है इसकी जो पावर है इसमें एक नहीं जोड़ेंगे। तो मतलब 3 × 3 कर देंगे, बाकी आगे की जो पावर है इनमें हम एक जोड़कर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जोड़ कितना है 2, इसमें जोड़ कितना है 2, इसमें सॉरी 3 हो गया यहां पर, इसमें जोड़ कितना है 2, तो 3 × 6 = 18 × 36। तो भैया 4200 संख्या जो दी है इसके कुल 36 गुणनखंड ऐसे होंगे जो एक सम गुणनखंड होंगे।
आगे एक और सवाल परमिशन पर लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या दिया है, कह रहा है 1960 के कुल बुलेटखंडों का योग ज्ञात करो। तो पहला तो स्टेप वही है, इसको पहले आभास संख्या में तोड़े। तो कैसे तोड़ेंगे आभास संख्या में देखते हैं। संख्या लिखी है 1960, इसे क्या देते हैं, इसे देते हैं 2 × 2 × 7 × 7 × 2 × 5, क्योंकि ये 14 स्क्वायर लिखा है, तो 7 × 14 × 7 × 14 × 5 × 10। यहां 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 × 3 × 7 × 2 5 चली गई, 5 × 1 × 7 × 2। हमने बताया था भैया, क्या बताया था कि अगर हमें कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना हो, तो हमने बताया था कि भैया 2 की पावर कहां तक है, 3 तक है। 2 की पावर 0 से लेकर के 2 की पावर 3 तक किस संख्या जोड़ेंगे। फिर हमने क्या बताया कि अगर 2 कर दिया तो 5 भी मिलेंगे, तो क्या आएगा 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। यही अगर हम 7 मिलेंगे तो क्या आएगा 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1 + 7 की पावर। हमें वही लग रहा है पावर लिखी और 0 को भी लेना है, और किसी की पावर 0 उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है, इसका मतलब 1। यहां 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। तो 8 × 4 = 12 × 14 = 15 × यहां पर इसका वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 5 × 6 × इसकी वैल्यू कितनी 749, ये वैल्यू 7 और ये 1, जोड़ कितना आएगा 49 × 7 = 56 × 57, मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 6 = 90 × 57। 0 तो हमने लिख लिया, 9 × 63 = 6 × 9 = 45 × 6 = 5130। मतलब कि जो ये संख्या दी है, ये संख्या जो दी चौथे नंबर सवाल में, सवाल चौथा है, सवाल चौथे में संख्या दी है, इसकी जितने भी गुणनखंड बनेंगे अगर हमको जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा 5130 आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 6480 के विषम गुणनखंडों को चाहिए, हमें ना तो सम चाहिए ना टोटल चाहिए, हमें यहां से विषम गुणनखंड छांटने हैं और उनको जोड़ना है, जो आंसर आएगा बताना है। अब ये तो गलत दिखाएगा नहीं कि भैया इसके विषम गुणनखंड निकालें, इसका भी एक तरीका होगा, क्या तरीका है वो देख लेते। सबसे पहले देखा क्या है कि ये 6480 के पहले फैक्टर करो, करो भैया, ये क्या है डिवाइड है 8 × 4 = 12 × 6 = 18 शायद 900 डिवाइड है, 9 का मतलब कितना होता है 3 × 3, तो 9 × 2 = 9 × 63 = 9 × 18 720 का मतलब लिखते हैं हम 36 × 2 × 10 का मतलब 2 × 5, 36 को हम कर देते हैं 36 लिखते हैं हम 4 लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 3, 3 × 9 = 36। अब देखो बिल लो, 2 कितनी बार, 2 बार ये और 2 बार ये, 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी बार, 3 बार ये 2 बार ये सॉरी 2 बार ये, तो 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। आप सोचते हैं हमें क्या निकालना है, कुल विषम गुणनखंडों को निकालना है। अगर हमें विषम निकालना है तो भैया इसकी हमें सम संख्या से कोई मतलब नहीं, बाकी प्रोसेस वही है, हमें सम संख्या से कोई मतलब नहीं है, बाकी वही प्रोसेस है जो हमने बताया था सभी गुणनखंडों के। तो क्या करेंगे हम, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 + 3 की पावर 4 और इनटू में क्या लिखेंगे 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, 3 की पावर 4 = 81, 3 की पावर 3 = 27, 3 की पावर 2 = 9, 3 की पावर 1 = 3 और 3 की पावर 0 = 1। इसको जोड़ा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 5 और 1 = 6, जोड़ लो देखो ये 81 और 27 कितना होता है, तो शायद 7 × 8 = 108, 108 और 9 = 117, 17 × 3 = 20, 121 और इंटू गुणा करेंगे तो 6 × 6 = 12, 2 से लगा 1 और 6 × 6 = 5।
कितना आंसर आएगा 726। मतलब कि अगर कोई संख्या दी है 6480 और उसके हमें विषम वर्णखंडों का योग निकालना है तो आंसर कितना आएगा 726। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही संख्या दी तो हमें तो फैक्टर करना तो फैक्टर रहेगा ही बार बार, हम इसी सवाल में लेंगे। देखो ये 8 फैक्टर का योग था, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड मतलब विषम गुणनखंड, हमें क्या निकालना है इवन का मतलब सम, प्लस सम संख्या निकालना है, तो सम ऑफ इवन फैक्टर। अच्छा हमने विषम संख्याओं में हमने सम संख्या डाली थी, लेकिन अगर हमें सम निकालना चाहे तो संख्या हम नहीं हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो सम पावर है इसकी जो जीरो पावर थी, दो की पावर जीरो लेते होता है वो नहीं लेते हैं, बाकी सारी पावर लेते हैं। मतलब यहां पर पावर स्टार्ट होगी वो होगी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू में क्या आएगा तुम्हारा, इंटू में 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 फिर इंटू में क्या आएगा तुम्हारा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसका काम देखते हैं 2 की पावर 4 16 2 की पावर 3 8 2 की पावर 2 4 2 की पावर 1 2 16 8 24 4 28 2 30 इसकी वैल्यू 30 आ गई। इसकी वैल्यू में जोड़ी थी हमने कितनी जोड़ी थी 1 से 1 जोड़ी थी, इसकी वैल्यू आ गई 1 से 1 और ये 5 और 1 6 मल्टीप्लाई कर लेते इसको 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और मल्टीप्लाई में 6 गुणा करिए 6 0 0 यानी कितने हम 6 3 18 का आंसर लगा 1 36 और 1 37 के साथ 3 36 18 3 कितना होता है 18 21 तो आंसर आएगा कितना आएगा वो आएगा 21780। बात को समझना कि भैया अगर हम 6480 के सभी सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें तो आंसर कितना आएगा 21780। ये 6 सवाल जो थे ये पिछली क्लास के रिवीजन थे, आगे और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला सवाल दिया है कि 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 और प्लस 4 की पावर 14 कह रहा है कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो पहला प्रोसेस क्या होता है कि जो संख्या दी है हमें इसको आभास संख्याओं में तोड़ना है, और सेकंड प्रोसेस होती है कि ये सारी संख्या तो आभास है मल्टीपल में होनी चाहिए। अब इस बात को समझना कि सवाल थोड़ा अलग है, संख्या 300 होती है उनको तोड़ना आसान होता है, संख्या और भी थी उनको तोड़ना आसान होता है, लेकिन यहां पर हम टेस्ट करें तो हम क्या करते हैं 4 की पावर 11 को कॉमन कर लेते हैं। बात को समझना ध्यान से, हमने 4 की पावर 11 कॉमन किया कितना सा 4 की पावर 0 4 की पावर 0 यहां बचेगा प्लस का 4 की पावर 1 प्लस का 4 की पावर 2 प्लस का 4 की पावर हमने 4 की पावर 11 कॉमन किया 11 पूरी पावर कॉमन हो गई जैसा क्या 4 की पावर 0 बची यहाँ 1 पावर बची 4 की पावर 1 यहाँ 2 बची 4 की पावर 2 यहाँ 3 बची 4 की पावर 3। अब समझना ये 4 है आभास संख्या तो है नहीं, इसे हम कह सकते हैं 2 की पावर 22 कह सकते हैं। फिर देखना 4 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 होता है, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर 3 का मतलब 64। फिर 64 और 16 कितना 80 4 84 85 2 की पावर 22 और इंटू 85 संख्या है या आभास संख्या नहीं है, हमें क्या करना है इसको हमें फिर से तोड़ना पड़ेगा, फिर तोड़ेंगे तो 2 की पावर 22 तो बड़ा हो गया, इसे कहते हैं 5 × 17 हो गया 17 एक आभास संख्या और 5 भी आभास संख्या। अब देखो इसे तुम्हें 5 की पावर 1 लिख सकते हैं 17 की पावर 1 अब हमें टोटल गुणनखंड निकालने हमें क्या करना है वही करना है कि भैया हर पावर में 1 जोड़ना है, 22 में जोड़ कितना है 23 फिर मल्टीप्लाई करें 1 में जोड़ कितना है 2 और फिर 1 में जोड़ कितना है ये क्या होगा टोटल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया तो कितना है 23 × 46 × 92 इसके लिए फैक्टर बने कितने बने 12। चलिए एक तरीका सवाल और देख लें, इस तरीके का सवाल लिखा होता 2 की पावर 61 प्लस 2 की पावर 65 प्लस 2 की पावर 63 और प्लस 2 की पावर 64 तुमसे कहेगा भैया
कि बताओ इस संख्या के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो सेम तरीका वही लगाएंगे जो यहां पर आया। हम क्या करेंगे, 2 की पावर 61 कॉमन कर लेंगे। क्या बचा अंदर, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 बचा। इसका मतलब कितना था, 8, इसका मतलब 4, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3। जोड़ लो ये 2 की पावर 61 और इनटू में 8 4 12, 12 2 14 और 15, 15 मतलब कितना था, 3 इनटू 5 मतलब 3 की पावर 1 और 5। बस समझ गए। अब आगे देखते हैं, इस अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो क्या करेंगे, 61 में जोड़ कितना है 62, 1 में जोड़ कितना है 2 और 1 में जोड़ कितना है 2 मल्टीप्लाई। तो देखो 2 दुनी 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 4 दुनी 8 और 4 6 24, 248। बात समझ गए। तो इसके कुल कितने फैक्टर बनेंगे, 248 बनेंगे। इसके कुल कितने फैक्टर बनेंगे, तो 92 बनेंगे। ये बात आपको समझ गई, कितने आसान सवाल है। चलो देखते हैं आगे, सवाल नंबर 8 देखते हैं, उसके पहले सवाल बता देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 ये बता है, बड़ा ही आसान सवाल है। चलो देखो 8 को करने से पहले हम एक कुछ छोटा सवाल देखते हैं। मान लीजिए संख्या 60 है, तुमसे पूछ रहा है कि 60 एक संख्या है, इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो क्या करेंगे, पहले 60 को हम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, 15 6 60, 4 × 2 × 2 और × 3 × 5 सकते हैं। 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। लेकिन हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो पूर्ण वर्ग हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर लिख ही लेगा पूरे यहां पर, तो इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 1 से 2 से कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी, 6 से भी हो जाएगी, 7 8 9 10, 10 से हो जाएगी, 10 के बाद 15 से, 15 के बाद 20 से, 20 के बाद 30 से और 30 के बाद 60 से। टोटल फैक्टर है, अगर हम इनको काउंट किया कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आसने की अब 11 को फैक्टर करेंगे, इससे निकालेंगे, सॉरी 11 है 12 में, सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कोई बचा है फैक्टर में, ठीक देख लीजिए। इसको जोड़ कितना है 3, इसमें जोड़ कितना है 2, इसमें जोड़ कितना है 2, 3 × 6 = 12। ठीक है, यहाँ कोई संख्या बच गई है, हाँ 12 बची थी, यहाँ संख्या 12 बची थी, तो 12 यहाँ पर बनी फैक्टर, देखो 12 यहाँ पर बनने। लेकिन हमें फैक्टर क्या चाहिए, ऐसे फैक्टर चाहिए जो पूर्ण वर्ग है, केवल यहाँ पर एक ही फैक्टर बनना है जो पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर केवल एक फैक्टर बनना है जो पूर्ण वर्ग है, तो हम कैसे निकालें कि भैया एक ही फैक्टर तो बनेगा और एक हाई स्कोर ये भी बनना है, एक भी पूर्ण वर्ग होता है। तो अगर हम ऐसे काउंट करें तो समय लगेगा, हमें करना क्या है कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, ध्यान देना पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 2 में लिखाओ, 2 की पावर 2 हो सकता है, 5 की पावर 2 हो सकता है तभी पूर्ण वर्ग बनेगा, 3 की पावर 2 हो सकता है तभी पूर्ण वर्ग बनेगा, या 7 की पावर 2 हो। तो हम क्या करते हैं कि भैया इन पावर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं, क्या 1 जोड़ते हैं। हमने दायरा पावर होगी उसमें हम सब में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर हम पूर्ण वर्ग निकाले हैं तो हम क्या करेंगे, ये पावर होगी उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा भागफल उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। समझना, यहां पर तो पावर 2 से डिवाइड होगी, इसको हटा दो, ये डिवाइड होगी इन 2 से, इसको हटा दो, बचा गया ये 2 पावर है, इसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और हमने कहा कि जो बचेगा भागफल उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, कितना आएगा आंसर, कितना 2।
दो आंकड़ा कितने साइंस से आ गया, इतना प्रोसेस है या इतने साइंस निकाल दिया। अब समझना बहुलों के दिमाग में होगा कि भैया यहाँ पर दो की पावर 9 लिखा होता तो हम दो को डिवाइड करने का 4.5 ले सकते हैं। जी नहीं, हम 4.5 नहीं लेंगे, हम जितनी बार भाग जाएगा, अगर 4 बार जा रहा है जितने पूरा भाग जाएगा कि हम वही संख्या लेंगे। आप समझे कि नहीं? चलिए सवाल और ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिखा होता 360, तुमसे पूछता 360 के ऐसे गुणनफल बताओ तो क्या है पूर्ण वर्ग, तो क्या करेंगे पहले इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या आएगा इसके फैक्टर आएंगे 36 का मतलब होता है 2 की पावर 2 और इनटू 3 की पावर 3 2 और 36 का हम 10 का मतलब होता है 2 इनटू 5 मतलब इसे कह सकते हैं, इसलिए इसमें 2 की पावर 3 इनटू 3 की पावर 2 और इनटू 5 की पावर 1 बात तो समझ आप सभी से। अगर हम इतनी से कहें इसके पूर्ण वर्ग फैक्टर बताओ भैया, पूर्ण वर्ग गुणनफल बताओ, तो अभी हमने बताया ये संख्या जो पावर है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगी ना इसको हटा दो, ये डिवाइड होगी 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, भाग एक बार जाएगा, मतलब हम ये नहीं कि डेढ़ बार चला जाए केवल एक बार जाएगा, और एक बार जाएगा तो भैया एक में जोड़ेंगे कितना आएगा 2 हो जाएगा, इनटू 2 में भाग देंगे तो भी एक बार जाएगा और एक में जोड़ेंगे कितना जाएगा 2 हो जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा 4, मतलब 360 के 4 ऐसे गुणनफल होंगे जो क्या होंगे पूर्ण वर्ग। अब सवाल लिखा है, सवाल को देख लेते हैं, ये सवाल कैसे है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि n बराबर 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 और इंटू 7 की पावर 3 को कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाजित किया जाता है। तो इस सवाल का मतलब भी वही है कि भैया यह संख्या दी है इसे कितने ऐसे फैक्टर है जो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि तो फैक्टर से ही तो संख्या डिवाइड होती है, तो हमें बताना है इसके ऐसे फैक्टर बताने हैं जो पूर्ण वर्ग है, तो कितना आसान सवाल है देखते हैं, समझना चाहिए किस सवाल को, क्या लिखा है n बराबर लिखा है 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3, अगर हम 9 को 4 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और हमने बताया कि जो बचेगा उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 4 बार भाग गया 1 जोड़ा कितना हो गया 5 हो गया, इंटू 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार 3 बार जाएगा 3 × 6 एक जोड़े कितना जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा और एक जोड़े कितना जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू ये पावर 3 है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा एक जोड़े कितना जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया पूर्ण वर्ग गुणनखंड हो गए, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। तो 5 × 20 20 × 60 × 24 मतलब 120 ऐसे वर्गखंड होंगे की संख्या के जो पूर्ण वर्ग होंगे। अरे सवाल और दिया गया देखो, यह है 1296, ये सवाल जो आया था ये रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया था, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया था पिछली बार के, बताना था कि इसके ऐसे कितने वर्गखंड हैं जो पूर्ण वर्ग, 1296 मतलब पता है 36 इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 और इस शब्द मतलब होता है 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 इसे कहते हैं 2 की पावर 4 × 3 की पावर 4 बात समझेंगे, हमें पूर्ण वर्ग गुणनखंड चाहिए, पूर्ण वर्ग गुणनखंड चाहिए, समझना अच्छी तरीके से बात को, हमें पूर्ण वर्ग गुणनखंड चाहिए, क्या कहेंगे इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 2 बार जाएगा 1 जोड़ कितना जाएगा 3, इस 4 को फिर से 2 से डिवाइड करो कितना 2 बार जाएगा 1 जोड़ कितना जाएगा 3 और 3 × 9 भैया इसका आंसर कितना आएगा 9 गुणनखंड। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं है निकाल सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये प्रोसेस थोड़ा आसान प्रोसेस है, बात समझ में। जिस तरीके से हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं इसी तरीके से हम पूर्ण घन भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि n बराबर 9 की पावर 9 को कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाजित कर सकता है, विभाजित करना है मतलब इसके फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर कौन से निकालने हैं, ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो पूर्ण घन है, और संख्याएं पूर्ण घन कब तो होती है जब भैया कोई भी संख्या को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें और उसकी पावर 3 बनाए तभी तो संख्याएं
पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन बन गया। पूर्ण वर्ग में क्या था तो पावर टू, तो पूर्ण वर्ग। और पूर्ण घन में क्या होगा तो पावर थ्री, तो पूर्ण वर्ग। अगर हमें पूर्ण वर्ग फैक्टर निकालने तो उसे भाग देते हैं, उसी तरीके से अगर हमें पूर्ण घन फैक्टर निकालने होंगे तो क्या करेंगे हम इसको तीन से भाग देंगे। संख्या क्या लिखी है, संख्या लिखी है n बराबर 9 की पावर 9। क्या तुम्हारी 9 एक अभाज्य संख्या है? नहीं है, तो इसको हम बदलना पड़ेगा भैया अभाज्य संख्या में। तो 9 क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं 3 का स्क्वायर और इंटू 9 मल्टीप्लाई करो कितना 3 की पावर 18 हो गया। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि a की पावर b की पावर अगर 3 लिखा हो ये वैल्यू ऐसी a की पावर b सी हो जाती है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ऐसे यहां मल्टीप्लाई होगी। अब हमें पूर्ण घन गुणनखंड निकालने हैं, बात तो ध्यान समझना। अब हमें पूर्ण घन गुणनखंड निकालने हैं, मतलब जो पावर दी इसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां इसको हमें 3 से डिवाइड कितना है 6, भैया हमने कहा था 1 जोड़ देंगे यहां से कितना है 7। अगर तुमको इस सवाल का प्रैक्टिकल निकालना है तो वो भी देख लो, ये क्या लिखा 3 और 18 लिखा, हम इसको 3 1 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना, 3 की पावर अगर 3 मिलेगा तो डिवाइड होगा तो पूर्ण घन तभी मिलेगा, 3 की पावर 6 मिलेगा तो डिवाइड होगा, 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15 और 3 की पावर 18। तीन सिंगल जोड़ सकते हैं, बिल्लू कितने हट कर 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर 7 है तो ये कितने संख्या है 7 की, बस संख्या क्या लिख रहे हम लिख रहे भैया 4096 के ऐसे गुणनखंड बताओ जो पूर्ण घन है। 4096 के ऐसे गुणनखंड बताओ जो पूर्ण घन है, तो देखो तो समझो इस सवाल को। ये हमें लगता है लिखा है 64 का क्यूब, किस पर लिखा है 64 स्क्वायर लिखा है, उसे ये लिखा है 64 का स्क्वायर। अब 64 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 की पावर 2, मतलब वैल्यू कितनी है 2 की पावर 12। हमें पूर्ण घन निकालने में से क्या करना, 3 से डिवाइड कितने हो जाएगा 4 बार जाएगा, 1 ऐड करके कितना हो जाएगा 5, मतलब इसके पूर्ण घन गुणनखंड अगर निकाल लो तो आंसर कितना आएगा 5 है। बारह कह रहा है कि भैया 46,800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो। अब ऐसा तो है नहीं कि इस क्वेश्चन के सभी गुणनफल निकालें, सबका मल्टीप्लाई करें तो आंसर है। तो भैया इसको करने से पहले चीज सीखते हैं, पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, मान लो एक संख्या हमने ले ली 60 और तुमसे कह दे कि भैया ये संख्या जो है 60 है इसके सारे गुणनखंड है, इनका क्या निकालना है हमें गुणनफल निकालना है। संख्या के गुणनखंड निकालने का क्या हो गया, हो सकते हैं ये बोलता है 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। इस संख्या जो 60 लिखी है हम इनको इन संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, तो मतलब कि ये सारी जो संख्याएं दी हैं वो इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड है। चलो भाई ये बात समझ कितना आगे, अगर हम क्या करें इनका मल्टीप्लाई कर दें, इन सब क्या कर दें हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि इतना आसान तो है नहीं कि भैया गुणा कर चलो कर दो 10-5 अंक मिल जाएंगे, नहीं बहुत अंक मिलेंगे। तो हमने एक चीज देखी कि भैया अगर हम 60 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब पहला गुणनखंड और अंतिम गुणनखंड का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही संख्या मिलती है जो शुरुआत की होती है। फिर समझना कि अगर हम इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमें वही संख्या मिलेगी जो शुरुआत में थी, मतलब हमने शुरुआत से दूसरा अंक लिया और अंत से भी दूसरा अंक लिया, गुणनखंड लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। चलो ठीक है, अगर हम शुरुआत से तीसरा गुणनखंड लें और अंत से तीसरा लें और इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 20 का 60 वही संख्या आएगी, 15 का 60 चालू बढ़ा में तो भी संख्या आएगी और 12 का 5 में और 10 का 6। इससे हमें पता चला कि भैया कि हम
अगर हम पहला वर्णखंड और अंतिम वर्ण का मल्टीप्लाई करें तो हमें वही संख्या मिलती है, वैसे ही अगर दूसरा वर्णखंड और अंत से दूसरा वर्णखंड का मल्टीप्लाई करें तो भी हमको वही संख्या मिलेगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर हम अंत से पहला वर्णखंड और शुरुआत से पहले वर्ण का मल्टीप्लाई करें तो हमें वही संख्या मिलती है, शुरुआत भी होती है। ऐसे ही यहां से जिस स्थान पर वर्णखंड होगा अंत से भी अगर उसी स्थान पर वर्णखंड होगा और अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी जो मूल संख्या होगी। ये बात समझ आई है? चलो ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो हमने इन सबका मल्टीप्लाई करना है, अभी देखो योगफल गुणनफल आएगा, 60 का मल्टीप्लाई किया 60, इन दोनों मल्टीप्लाई किया कितना 60, फिर इनका मल्टीप्लाई किया कितना 20 ने 60, फिर 15 चौक 60 और फिर 12 पंच 60 फिर 10 का, मतलब कि 60 की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब अगर इसको सही से लिखें तो 60 और 6। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, यहां पर कुल कितने वर्णखंड थे 12, यहां पावर कितनी है 5 समझना, यहां पर कुल कितने वर्णखंड थे तो यह 12 वर्णखंड थे, मुझे यहां पावर आई वो 6 आई, मतलब 12 की आधी आई। मान लो अब इसको हम सही से डिवाइड करते हैं, मान लो कोई संख्या n दी है और इसके नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कोई संख्या n दी है और इसके नंबर ऑफ फैक्टर अगर x हो, बात को सुना, कोई संख्या दी है n दी है और इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो x हो और हम उसे कह दें कि इनके फैक्टर का प्रोडक्ट ज्ञात करो, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीपल ज्ञात करो, इनके फैक्टर का मल्टीपल ज्ञात करो तो हमेशा जो मल्टीपल होगा इन फैक्टरों का वो क्या होगा n की पावर x / 2 नंबर ऑफ फैक्टर का आधा, मतलब उस मूल संख्या में नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधी पावर लेंगे तो हमारे जो है गुणनफल सॉरी गुणखंडों का कुल मल्टीप्लाई आ जाएगा, मतलब कि प्रोडक्ट आ जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं? चलो आगे और चीज देखते हैं। मान लो कोई संख्या तुमको दे देगी 72, तुमसे कह देगा कि इसके गुणनखंडों का प्रोडक्ट ज्ञात करो या गुणनफल ज्ञात करो। अब 72 को भी समझना एक बार अच्छी तरीके से, 72 को हम क्या कह सकते हैं, किसे डिवाइड कर सकते हैं 1 से 2 से 3 से 4 से 5 नहीं 6 6 नहीं 8 10 नहीं 12 13 नहीं 14 नहीं 15 नहीं 16 16 नहीं 17 18 18 के बाद 24 24 के बाद 36 इस बार कितना बार 1 से डिवाइड कर 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा 4 से। देखो इनका मल्टीप्लाई कितना 72, इनका मल्टीप्लाई कितना 72, फिर मल्टीप्लाई कितना 72, फिर मल्टीप्लाई 72 अब 8 एक संख्या और सॉरी यहाँ पे 9 आएगी 18, तो 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 8 में बात को समझना। अब हम क्या करेंगे, यहां कितनी बार 72 बनना है, देखो 72 बन गया, 72 कब बना जो हमने दो प्रोडक्ट दो गुणखंडों का मल्टीप्लाई किया, यहां कितने कितने गुणखंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल 12 है, इसका आधा करो तो 6 बार गुणना पड़ेगा, जो आंसर है कितना आएगा 72 की पावर 6 इतना आसान सवाल है। अच्छा एक और चीज समझते हैं, एक चीज क्या समझते हैं, एक पॉइंट नोट कर लेना कि भैया क्या पॉइंट है, किसी भी संख्या, किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, किसी भी
की संख्या की कुल गठखंडों की संख्या हमेशा एक सम संख्या होगी। यदि वह संख्या पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, पास में ना, मतलब कि एक कोई ऐसी संख्या दी हो जो पूर्ण वर्ग ना हो, अगर हम उसके गुणनखंड निकालें तो वह संख्या जो आए गुणनखंडों की जो नंबर आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे गुणनखंडों के वो हमेशा क्या होगी एक सम संख्या। देखो यहाँ पर 60 की पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, अगर हम इसके गुणनखंड निकालें कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 12 की संख्या है या नहीं, एक 12 संख्या हमने निकाली और हमने इसे गुणनखंड निकाले कितने आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये भी सम संख्या है। मान लो हमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लेनी है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लेनी है तो हमने एक मान्य संख्या ले ली 300। तुमसे कह दिया भैया इसे कुल कितने गुणनखंड बनेंगे, 300 कह सकते हम, देख सकते हैं हम 2 की पावर 2 2500 5 की पावर 2 अगर हम कुल कितने गुणनखंड निकालें तो गुणनखंड निकालें कितना आएगा 2 में 3 फिर 2 में 3 और 1 में 2 3 दिखा 9 गुणी कुल कितने गुणनखंड आएंगे 18 आएंगे, पास आएंगे 18 ऐसी संख्या है नहीं, मतलब कि किसी भी संख्या कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है अगर उसके हम गुणनखंड निकालेंगे टोटल वो हमेशा एक सम संख्या आएगी। बस समझेंगे, चलो ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अगर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो, समझना अगर वह संख्या क्या हो पूर्ण वर्ग हो तो समझते हैं सेकंड पॉइंट समझते हैं इसी में क्या समझते हैं किसी भी संख्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा एक विषम संख्या होगी। आप सुनना किसी भी पूर्ण संख्या की गुणनखंडों की संख्या क्या होगी हमेशा एक विषम संख्या होगी। ये बात उनको भी बताते हैं अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो जो उसके गुणनखंड आएंगे हमेशा सम संख्या आएगी और एक संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो जो उसके गुणनखंड आएंगे वो हमेशा एक विषम संख्या होगी। इस बात को सब उसे बता देते हैं मान्य संख्या भी है 100 सबको पता है 100 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 100 के तो फिर हम 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 अगर इसके हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालें कितना 2 में 3 और इस 2 में 3 कितना है कितना क्या एक संख्या है कि नहीं चलिए बहुत देख लेते हैं। हमने देखा 81 को देखा था 3 की पावर 4 होता है अगर हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालें कितना है 4 में 2 कितना है 5 है चलो गौर देख लेते हैं। 64 देख लेते हैं क्या 64 एक पूर्ण संख्या है बिल्कुल है 64 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं और इसके अगर नंबर आप फैक्टर निकालें कितना आएगा तो 6 में 2 कितना है 7 कितना हाँ मतलब कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा क्या होगी विषम संख्या होगी। ये बात समझेंगे चलो हमने क्या सीखा कि भैया अगर हम किसी भी संख्या के गुणनखंडों का प्रोडक्ट निकालें अगर हम किसी भी संख्या के गुणनखंडों का प्रोडक्ट निकालें बात को समझना किसी भी विषम संख्या के गुणनखंडों का प्रोडक्ट निकाल सॉरी किसी भी संख्या के गुणनखंडों का प्रोडक्ट निकालें जो प्रोडक्ट होता है उस संख्या के जितने गुणनखंड बनेंगे उससे आधी पावर के बराबर होता है। मान लिया कोई संख्या n है और इसके जो गुणनखंड है वो नंबर ऑफ फैक्टर जो है तो क्या है
अगर एक्स है तो भैया जिसका प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा इसके फैक्टर का, वो कितना आएगा, एन की पावर एक्स बाई टू होगा। बस चलो इसी तरीके सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या लिखा है, 86,800। पहले इसका फैक्टर निकाले, 86,800 देखो 8, 6, 16, 18, 9 से डिवाइड आएगा, तो 9 से मतलब कितना, 3 पावर 2 हो गया, 2 स्क्वायर करो कितना आएगा, 9 स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9×45 और 9×52 है, इंटू अच्छा 100 तो हमारे पास 100 कम करके 2×2 इंटू 5×2 52 ले सकते हैं हम, 13×2×2 54 फंसने के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ 2×2 कितना, 2×4 हो गया, 3×2 इंटू 5×2 और इंटू 13×1। तुमसे कोई कहे कि भैया इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तुम फिर से क्या किया, 4, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 3, 1, 2 कितना है, 5×15, 15×45, 90 कितना है, 90 आया, मतलब कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 90 आए। तो भैया प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है भैया कि इसके गुणनखंडों का गुणनफल कितना आएगा, कि भैया आएगा 46,800×90/2 मतलब 46,800×45। चलो भैया बात समझ में आ गई कि आए संख्या से दो से भाग दे दिया तो आगे संख्या, लेकिन अगर यहां पर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती और अगर हम समझना तरीके से, अगर यहाँ पर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ जो मर वाला फैक्टर आते वो कायम आते, वो विषम संख्या होती और अगर हम उसको दो से भाग देंगे तो उसकी पावर आएगी पॉइंट में आएगी, आपको समझना, पावर आएगी वो पॉइंट में आएगी। तो इस सवाल को, उस चीज को हम सोचते हैं, इस सवाल इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 13 सोचते हैं, इसको नोट कर लेना आसानी से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तो ध्यान देना इसका आंसर कितना है, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 46,800×45 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि n और रूट n के बीच n के 14 गुणनखंड हैं, तो n के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करो, ये हटा देते हैं, तो n के गुणनखंडों की कुल संख्या मतलब कुल कितने गुणनखंड बने। अब बात को समझना, अच्छा यहां पर रूट n दिया है और यहां n दिया है, तो कहीं ना कहीं संख्या जो होगी पूर्ण वर्ग होगी, तभी तुम्हारा रूट n कैसे देखो, बसते मानो 100 100 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से, 10 के बाद किससे कर सकते हैं हम 20 और नहीं कर सकते ना, हाँ 20 बस 25 के बाद 50 के बाद 100 कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने बताया कि भैया एक विषम संख्या है, 9 आ गए। हमने कैसे बताया कि शुरुआत का अंत से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 100 ही मिलेगा, 100 मिला, इसका मल्टीप्लाई किया 25 को 100, इसका मल्टीप्लाई किया 20 से 100। लेकिन यहां पर एक बढ़िया संख्या बच गई और ये जो मान है ये 10 क्या है, ये रूट 100 के बराबर है। ये बात को समझनी होगी कि 10 क्या है, रूट 100 के बराबर है। कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है तो उसका मिडिल वाला गुणनखंड होगा वो हमेशा इस संख्या के रूट के बराबर होगा, इस संख्या के वर्गमूल के बराबर होगा। बात को समझना, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो मिडिल वाला गुणनखंड होगा वो हमेशा इस संख्या के वर्गमूल के बराबर होगा, और जो मिडिल वाला है गुणनखंड इसके इधर भी उतने ही फैक्टर होंगे और इसके इधर भी उतने ही फैक्टर या गुणनखंड होंगे। अब समझना, हमने क्या देखा कि भैया 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया कुल 9 है, तो हमने क्या किया 100×4 कर लिया और इंटू 10 कर लिया, देखो टोटल 9 गुणनखंड थे, 8 के 4 जोड़े बचे 10। इस 10 को हम क्या ये नहीं लिख सकते कि 100
इनकी पावर चार, इनको 100 की पावर 1 बटे 2 ले सकते। फिर समझना यहां इसको इसलिए ले सकते कि 100 की पावर 9 बटे 2। और हमने वही तो बताया था कि प्रोडक्ट क्या होता है, गुणनफल के सॉरी गुणनखंड की संख्याओं के आधी पावर के बराबर। मतलब यहां कितने गुणनखंड हैं, 9 हैं, 9 पावर के 9 बटे 2 और 100 संख्या की 30, उसी 100 को पावर बता दी आंसर। आप समझना अब इस सवाल को करना समझो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन कोई संख्या है, कह रहा है एक से लेकर रूट एन तक, एक से लेकर के रूट एन तक, समझना एक से लेकर के रूट एन तक इनके बीच पर कितने गुणनखंड हैं। अब समझना यहां पर इस क्वेश्चन सॉल्यूशन सोच, किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड तो हमेशा एक होता है, किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड कितना होगा, एक होगा। तो यहां भी पहला गुणनखंड हमेशा एक होगा। सेकंड पॉइंट का समझना, किसी भी संख्या का जो अंतिम गुणनखंड होगा वो वही संख्या होगी। तो मतलब क्या है कि भैया इस एन का जो अंतिम गुणनखंड होगा वो कितना होगा, एन होगा। फिर हमने कहा कि जो मिडिल वाला टर्म होता है ये हमेशा अगर संख्या पूर्ण वर्ग दी है तो इसके रूट के बराबर होगा। अगर ये रूट एन आया है मतलब ये संख्या तो हमेशा पूर्ण वर्ग ही होगी, एन तो पूर्ण वर्ग होगी। और हमने ये भी देखा कि इस रूट एन के जितने फैक्टर इधर होंगे उतने ही फैक्टर इधर होंगे। मतलब अगर इसके बीच में कितने फैक्टर, 14 फैक्टर हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने फैक्टर होंगे, 14 होंगे। जोड़ लो भैया 14 ये 28 और एक ये 29, एक ये 30 और एक ये 31। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, कुल 31 फैक्टर आएंगे। बात समझाएंगे। मान लो यहां तुमसे कहता कि इनके बीच में 15 फैक्टर है, यहां भी बंदा होते क्या करते हैं हम, 15 15 15 30 31 32 33 33 करते हैं। तुमसे कहता हूं इन दोनों के बीच 18 फैक्टर हैं, तो यहां पर 18, यहां पर भी 18 18 18, 36 39, सही 36 1 37 1 38 1 39, टोटल कितने फैक्टर बचा जाते हैं। बात समझेगी नहीं। तो हमने क्या सीखा कि भैया किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल जो होता है उसी संख्या के जो कुल गुणनखंड होते हैं उनकी आधी पावर के बराबर होता है। सेकंड हमने क्या सीखा, कोई भी संख्या हो अगर हम उसके गुणनखंड निकालेंगे तो हमेशा एक सम संख्या होगी, यदि वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर वह संख्या पूर्ण वर्ग है तो उस संख्या के गुणनखंड जो होंगे हमेशा क्या होंगे, एक विषम संख्या होगी। थर्ड पॉइंट क्या सीखा कि भैया कि अगर कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या दी जो पूर्ण वर्ग है और उसका अगर हम बीच वाला गुणनखंड निकालें तो उस संख्या के वर्गमूल के बराबर होगा, और उस वर्गमूल संख्या के इधर आजू बाजू की गुणनखंड संख्या होगी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। पांचवा पॉइंट क्या सीखा हमने कि भैया किसी भी संख्या का पहला फैक्टर और अंतिम फैक्टर गुणनखंड जो होगा हमेशा उस संख्या के बराबर होगा। दूसरा फैक्टर और अंतिम दूसरे फैक्टर का गुणनखंड क्या होगा, उस संख्या के बराबर होगा। ये बात ध्यान से समझना, इन पॉइंट को समझने से ही तुम्हें आंसर आएंगे। बात समझेंगे नहीं, चलो अगला सवाल। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 14 तो हो गए इधर के, 14 इधर हो गए कितने हो गए, 28, ये की 29, 30 और 31, इसका आंसर कितना आएगा, 31। अब देखो कह रहा है यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 19वें स्थान पर है और 35वें स्थान पर है क्या है, उस संख्या एन के बराबर है। मतलब उसने क्या कहा है, कोई संख्या एन दी है कि इसका अगर हम 19वां गुणनखंड निकालें और 35वां गुणनखंड निकालें और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या होता है, वो क्या होता है, वो जो है एन के बराबर है। और ये एक ही कंडीशन संभव है कि मान लिया कि जिस स्थान पर यहां शुरुआत से होगा उसी स्थान पर यहां पर होगा अंत से। मतलब कि जितने फैक्टर यहां शुरुआत से यहां तक होंगे उतने ही फैक्टर इसके बाद होंगे। अब यहां से यहां तक कुल कितने फैक्टर है, 18 फैक्टर होंगे, तभी तो 19 फैक्टर होगा। अगर 19 के पहले 18 फैक्टर हैं तो 35 के बाद भी तो 18 फैक्टर होंगे। अभी हमने बताया है अगर 19 के पहले 18 फैक्टर हैं तो 35 के बाद भी 18 फैक्टर होंगे। ऐसे हमने बताया था, अभी 60 में निकाल के बताया था, देखो निकालते हैं, एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच,
6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। देखो इसका मल्टीप्लाई के साथ है, इसका मल्टीप्लाई के साथ है। देखो इसके पहले अगर एक है इसके बाद भी संख्या आएगी, अगर इनका मल्टीप्लाई 60 इसके पहले कर दो है इसके, मतलब जितने इसके पहले होंगे उतने ही संख्या बार होंगे। अब देखो यहां से यहां तक कुल कितने 35 और 18 जोड़ लो, कितना जोड़ लोगे और लो कितने फैक्टर आ गए 53 आ गए। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 जो आंसर होगा कितना आएगा 53 आएगा। कितना आसान सवाल है, पास में सवाल को हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं क्योंकि हम इसको डालते चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है। अब हमें बात समझनी होगी कि ऐसे कौन कौन से गुणनखंड हैं जिनके केवल 3 ही गुणनखंड हैं। अब बात आती है, बात को समझते हैं अच्छे तरीके से। मान लो संख्या 5 है, इसे कितने गुणनखंड हैं 1 और 5। अगर तुमसे कहे कि भैया किसी भी आबाद संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं तो ध्यान रखना हमेशा दो गुणनखंड होते हैं, कौन कौन से, एक वो एक होगा दूसरा 5 होगा। अगर तुमसे कहे कि भैया ऐसी कौन सी संख्या है जिसके 3 गुणनखंड है तो किसी भी आबाद संख्या का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, किसी भी आबाद संख्या का यदि हम स्क्वायर कर दें तो उसके जो गुणनखंड बनेंगे वो हमेशा 3 बनेंगे। कैसे, देखो 25 लेते हैं, 25 को हम किसे डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 5 से और स्वयं 25 से। क्या इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या है जिसको हम 25 जिससे हम 25 डिवाइड कर सकें? तो मतलब 25 एक 5 का स्क्वायर है और यदि 5 का स्क्वायर कर संख्या 25 आएगी और 25 में से कितने गुणनखंड बनेंगे 3। मतलब कि क्या मतलब कि किसी भी आबाद संख्या का यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो संख्या बनेगी उसके हमेशा 3 गुणनखंड बनेंगे। लेकिन हमें संख्या चाहिए कैसी, हमें संख्या ऐसी चाहिए जो क्या हो, दो अंकों की हो। तो देखते हैं आबाद संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11 इसके अलावा 13, इसका स्क्वायर करो तो 4, ये हम लेंगे क्योंकि इसके भी 3 गुणनखंड बनेंगे लेकिन हमें 2 अंकों में भी लेंगे नहीं, 3 का स्क्वायर 9 ये भी नहीं लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 ये सही है, 7 का स्क्वायर 49 ये सही है और 11 का स्क्वायर 121 ये 3 अंक की संख्या है। तो ऐसी कितनी दो संख्याएं पॉसिबल है जिनके 3 गुणनखंड बनेंगे, तो केवल दो संख्याएं पॉसिबल है, कौन कौन सी, 25 और 49। तुमसे पूछे कि संख्याएं कौन कौन सी पॉसिबल है तो केवल दो पॉसिबल है 25 और 49। तुमसे पूछे कितनी संख्याएं पॉसिबल है तो केवल दो संख्याएं पॉसिबल है, गिनती पूछेगा तो दो, कौन कौन सी है तो 25 और 49, छोटी संख्या पूछेगा तो 25, बड़ी पूछेगा तो 49। वास्तव में केवल और केवल विषम संख्याओं के जो वर्ग होते हैं उनके ही केवल 3 गुणनखंड बनते हैं, इसके अलावा नहीं। तो ऐसे केवल 25 और 49 ही ऐसी संख्याएं हैं जो दो अंकों की हैं और विषम संख्याओं का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान देखते हैं, क्या कह रहा है 19, 19 कह रहा है कि दो आबाद संख्याएं हैं P और Q और इसका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो बड़ा ही आसान सवाल है, दो आबाद संख्याएं कौन कौन से लेते हैं, 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो P का मान हमने मान लिया 2 है और Q का मान मान लिया कितना 3 है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें सीधा कितनी आएगी 6, 6 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। हमने कहा कि भैया अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए हो, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ी कितना आएगा 2, इसमें एक जोड़ी कितना आएगा 2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। ध्यान रखना 4 आंसर कब आता, जब यहां पर लिखा होता कि P नॉट इक्वल टू Q। अगर P और Q आपस में बराबर नहीं है तो कोई भी संख्या P और Q की न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, वो हमेशा कितने हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन अगर ये कंडीशन ना दी होती कि P नॉट इक्वल टू Q तो इसके कितने गुणनखंड होते, इसके बनते केवल और केवल 3, क्योंकि अगर हम P और Q को बराबर मान लें, इसको भी 2 मान लें, इसको भी 2 मान लें, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और 4 के 3 गुणनखंड कौन बने, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 4 बनेगा। वैसे मिलता था किसी भी आवाज संख्या को यदि स्क्वायर कर दिया जाए और उसके गुणनखंड निकाले जाए तो हमेशा कितने गुणनखंड बनेंगे, हमेशा कितने बनेंगे, वो 3 बनेंगे। बात समझ आएगी नहीं,
अगर जो आवास संख्या है उनका अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा चार गुणखंड बनेंगे, लेकिन अगर दो आवास संख्या है दोनों बराबर है तो उसके कितने गुणखंड बनेंगे, तीन गुणखंड बनेंगे। इससे इसका आंसर कितना आएगा, चार आएगा। हमने यहाँ लिखा नहीं था पी बराबर पी नॉट इक्वल टू 50। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी 20 नहीं 18 और 17 भी उल्टा चला है ना। क्वेश्चन नंबर 18 17 ये हमने पॉइंट बता दिए थे, इसका आंसर बड़ा ही आसान है। क्या हम देखते हैं, हमने एक पॉइंट बताया कि किसी भी संख्या के हमेशा गुणखंड सम होते हैं। कब सम होते हैं, जब संख्या कोई पूर्ण वर्ग ना हो। अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और उसके गुणखंड निकाले जाएंगे तो हमेशा एक सम संख्या आएगी। हमें क्या करना है, कह रहा है पहले 100 प्राप्त संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या है जिनके गुणखंड निकाले हैं, उनकी संख्या क्या हो, सम गुणखंड हो। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जो पूर्ण वर्ग ना हो। अगर पूर्ण वर्ग हो जाएगी उसके विषम गुणखंड हो जाएंगे, मतलब हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जो पूर्ण वर्ग ना हो। जो गिनना पॉसिबल लिखा मैं थोड़ा पॉसिबल थोड़ा मतलब कठिन है, तो हम क्या करें ऐसी संख्याएं निकाल लें जो पूर्ण वर्ग है। कौन कौन सी है, एक है, एक चार एक चार नौ नौ के बाद 16 25 36 49 64 64 के बाद 81 और 100। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, 10 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग हैं और इनके हमेशा हमेशा विषम बनेंगे। तो कितनी संख्याएं ऐसी होंगी 100 तक, 90 संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है और 90 संख्याओं के हमेशा कितने कैसे गुणखंड बनेंगे, तो सम गुणखंड बनेंगे। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। मतलब क्या पता चला, 1 से 100 तक 90 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी गुणनखंड हमेशा क्या बनेंगे, विषम गुणनखंड सॉरी सम गुणनखंड बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम कह रहा है, कह रहा है 225 तक से 225 से कम चाहिए 225 नहीं चाहिए 225 से कम ऐसी कितनी प्राप्त संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड कितने हैं, कैसे हैं, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड क्या होते हैं, जब संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो हमें केवल वो संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो भैया हमें कैसे निकालें संख्या पूर्ण वर्ग हो, या निकालें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 142, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। उसने बोला है 225 से कम है ये संख्या, हम लेंगे नहीं। आंसर कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आंसर कितना आएगा, 14 संख्या ऐसी होगी जिनके जो हम गुणनखंड निकालेंगे वो एक विषम संख्या होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई, वैसे हम इतना करने के प्रोसेस भी नहीं है। हमें क्या करना है, 25 किसका इसका होता है 15 इसका होता है, हमें इससे कम चाहिए तो मतलब 14 इसका निकालना, संख्या 14 ही होगी, बस खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं क्योंकि मुल्का चल रहे। वैसे सवाल तो नंबर सिस्टम का है लेकिन ये अलजेब्रा से सॉल्व होता है, अलजेब्रा की थ्योरम है। क्या थ्योरम समझना है तरीके से, लिखा 53 का क्यूब माइनस 46 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, किससे भाग जाए, हम इस सबका आंसर तो ऐसे निकाल नहीं सकते कि भैया इनको अलग अलग बैठ कर। एक थ्योरम होती है कि भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc होता है। ये कब होता है, ये होता तब है जब ए प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कभी अलजेब्रा में पढ़ाएंगे इसको। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है जब इसका ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या, 0 बराबर। अब समझते हैं क्या देखते हैं, इसका ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 बराबर है। देखो 53 माइनस 46 माइनस 17 0 बराबर है, क्योंकि ए का मान 53 है, बी का मान -46 है और सी का मान -17 है। इसका मान आएगा तो इसका मान क्या आएगा, आएगा 3 × 53 × -46 इंटू माइनस का 7।
दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या ये संख्या 6 से डिवाइड हो रही है, सही है, लेकिन क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, नहीं सही है, ऑप्शन नंबर के गलत है। क्या ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल सही है। क्या ये संख्या 21 डिवाइड हो रही है 7 से, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं क्या ये संख्या 21 डिवाइड हो रही है, सही है। क्या क्या 23 डिवाइड, हाँ 23 डिवाइड 40, बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी सही, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बोथ बी और सी, मतलब संख्या 21 से डिवाइड होगी, 23 से डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी, आसमें जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ बी और सी दोनों सही। अब क्वेश्चन बचा है लास्ट 15 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है देखो सरसा, कह रहा है इसका एक ऐसा गुणनखाना है जो अभाज्य भी हो और अधिकतम भी हो, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा गुण बनता जो अभाज्य है, ऐसा गुण बनाना है जो अभाज्य भी हो और अधिकतम भी हो। हल करते हैं देखो, इसको लिखा है 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12, क्या करें हम इससे, हम 3 की पावर 13 काउंट कर लें, क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 1 और माइनस 12, बस नहीं है पास में कि फर्स्ट इसको इसको 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 1 4, सॉरी 3 की पावर 3 मतलब 1 का मतलब 3 प्लस 1 माइनस 12, बात को समझना अच्छे तरीके से। यहां क्या लिखा है 3 की पावर 13, यहां बोलो माइनस हो जाएगा, गलत जाएगा, ऐसा ना करें, ऐसा करें निकल जाएगी, ठीक है, ऐसा करेंगे दिक्कत आएगी। यहां क्या करें हम 3 की पावर 12 कॉमन करेंगे, सॉरी यहां हमने गलती की थी, यहां से कॉमन नहीं हो सकता था, ठीक है, गलती हो गई थी, हम यहां 3 की पावर 13 ही कॉमन करेंगे। क्या करें 3 की पावर यहां कितना बचेगा 1 बचेगा, यहां प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, समझ गए। 3 की पावर हमने क्या किया 13 लिखा और 3 और 4 ही हो गया माइनस का 12, क्या हम इससे पूरे से 12 काउंट नहीं सकते, 4 इससे कम हो जाए 3 से कम पूरा 12 काउंट हो जाएगा, बस नहीं और 3 से कम होगा कितना बचेगा 3 की पावर 12 बचेगा, 3 की पावर 12 यहां कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर हमने पढ़ा हो शायद कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखते कि 12 × 3 की पावर 6 प्लस 1 और 3 की पावर 6 माइनस 1। फिर बात नहीं समझ में कि भैया हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम फिर से क्या ले सकते हैं, इसको हम फिर से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये देखो 12 × 3 की पावर 6 प्लस 1 से लिख सकते हैं 3 की पावर 3 प्लस 1 और से लिख 3 की पावर 3 माइनस 1। अब 3 की पावर 6 का मान कितना होता है शायद है पता हो, 3 की पावर 6 का मान होता है 729 प्लस 1, ऐसे 3 की पावर 3 का मान कितना होता है 3 की पावर 3 होता है 27 प्लस 1 और 3 की पावर 3 27, इसको जोड़ो 12 इंटू इसका आम वैल्यू कितने 730 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो आएगी तुम्हारी 28, इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो 26। अब देखो क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है, तो कहीं से नहीं हो रही है, तो दो गलत सी से गया। क्या ये संख्या कोई 79 से डिवाइड हो रही है, तो कहीं से भी 79 नहीं मिल रहा, घटा दो। क्या ये संख्या 13 से डिवाइड हो रही है, हाँ 13 से डिवाइड हो रही है 26, लेकिन हमें चेक करना है क्या संख्या ये 73 से डिवाइड हो रही है, तो हाँ 73 से भी डिवाइड हो रही है, तो अब हमें बताना है इन दोनों में कौन सा आंसर है, उसने अधिकतम आवास संख्या पूछी है जिसका आंसर कितना आएगा 73 आएगा, ये बात समझाई नहीं आई, कितना आसान सवाल था, हमने इसको कितने अच्छे प्रोसेस से ठीक किया। वैसे आज के सवाल खत्म होते हैं, हमने पिछली क्लास में एक सवाल थोड़ा सा गलत बता दिया था, गलत नहीं बताया था हमने, बोला सही था हमने, गलत उसका आंसर दिया था, क्वेश्चन क्या था 48 के आभाज्य गुणनखंड कितने,
48 के अभाज्य वर्गखंड कितने हैं? हमने इसको लिखा इनका 16 मतलब 2^4 / 3 की पावर है। हमने बताया कि अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं मतलब अभाज्य वर्गखंड निकालने हैं तो हम क्या करते हैं इनकी पावर विरुद्ध 4/5 खत्म सवाल। हमने यहाँ क्या लिखा 4/4 गलती कर दी थी, कोई बात नहीं गलतियां हो जाती कभी किसी से, ठीक है सही कर लेना उसको। आंसर कितना आएगा 4/5 पॉसिबल। तो आज क्लास में आपके जो फैक्टर के सारे सवाल थे वो खत्म होते हैं। यदि आपको अभी भी कोई सवाल ऐसा डाउटफुल है जो आपको ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल में या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे, हम आपको इसकी सीट भी देंगे ग्रुप में। तो आज क्लास में इतना ही, धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं आपसे।